रिएक्शन कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, फिट फाट हो। अच्छा गाइस, आज ना मैंने बातें तो करनी है, लेकिन हमने एक गाने पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तो हम उस गाने पे करेंगे एंजॉय। लेकिन ये गाना एंजॉय वाला लग नहीं रहा टाइटल से, तो गाना सुन के पता चलेगा ना यार कुछ। आप सब बातें मैं अभी बता दूँ तो फिर गाना सुन के क्या रिएक्शन दूंगी। तो एनीवेज, स्ट्रीट डांस ऑफ 3D, जैसे कि आप जानते हैं, डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा। एंड इस गाने में जो गाया है जिन्होंने, अरिजीत सिंह, भूमिया एंड सचिन जिगर, ठीक है, जो उनके लिरिक्स हैं जो वो प्रिया के हैं, प्रिया एंड कंपोज बाय सचिन जिगर। सो गुलशन कुमार एंड की सीरीज प्रेजेंट बाय द सॉन्ग। लेकिन गाना सुनते हैं और गाने के बाद बात करेंगे स्ट्रीट डांसर 3D के। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि आप लोग, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको मेरी वीडियो से कनेक्ट रहेंगे। एनीवेज गाइज, एक और बात कहूँगी जो जिन लोगों ने मेरा इसी मूवी का स्ट्रीट डांसर 3D मूवी का मैंने एक और सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके 3 सॉन्ग्स म्यूजिक ऑलरेडी लोग रिलीज कर चुके हैं, इसके ट्रेलर्स आ चुके हैं, मतलब पूरे पूरे गाने की वीडियोस आ चुकी हैं। तो अगर आपने देखना है गर्मी सॉन्ग नूर फतह को, आई मीन देखना है वरुण धवन के साथ, तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे क्लिक करें और गाना एंजॉय करें। और जिन्होंने देखना है भाई लटके झटके, वो लटके झटके देखें और मस्त रहें। चलें गाने की तरफ, जाते हैं, लेकिन ये गाना है दुआ करो। अजी, वो एयरपोर्ट के बाहर तो आप कह रहे थे कि अब लाइफ सेट हो जाएगी, फुल माहौल बनेगा, आपने वैसे झूठ क्यों बोला पाजी हमें? वो क्या है ना, दुआ तुझे आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये साली बद्दुआ है ना, ये तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सारा जग घूमे आवे, सारे रास्ते ढूंढे आवे, अपने घर का पता जाने क्यों भूले आवे, इस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया। Very nice. Amazing song guys, amazing song, oh god, picturize amazing। मुझे वैसे तो doubt हो गया था कि दुआ करो गाना जो है अरिजीत सिंह गा रहे हैं, तो काइंड ऑफ सैड सॉन्ग की तरफ कह सकते हैं या सैड ट्रैक कह सकते हैं, लेकिन सैड ट्रैक था लेकिन एक न्यू ट्रेंड के साथ। मैंने अरिजीत सिंह का कभी ऐसा सॉन्ग नहीं देखा जिसपे उनके साथ किसी रैपर ने रैप किया। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताएगा, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जब गाना स्टार्ट होता है तो वो कहता है पाजी आपने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, और एयरपोर्ट पे मतलब सीधा, तो मुझे लग रहा है ऐसे गाने में, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, वैसे तो मूवी 24 जनवरी को रिलीज़ होगी, लेकिन इस गाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण धवन इनके साथ थोड़ा चीट करता है, थोड़ा हैंड करता है, और तभी सब उसको कोस रहे होते हैं, और इवन कहते हैं ना कि अपनों को तुमने दुख दे के कैसा जीना, और ये वो रैप भी जब होता है कि यार
तुमने तो दिखाए सपने बड़े बड़े और तोड़ दिए एक सेकंड में हमारे, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो किसी और टीम के साथ मिल जाता है, उसको जैकेट्स मिल रही होती, चीजें मिल रही होती, लेकिन वो अपनी टीम को जो है हरा देता है, कुछ होगा। लेकिन गाइस मुझे एक और चीज कहनी है, स्ट्रीट डांसर 3D जो मूवी है, इससे पहले जो ABCD का जो टैग था, तो हम सबको पता है कि वो प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया और सेम स्टोरी चल रही है। अगर कोई कहता है कि यार डिफरेंट मूवी है, तो वही सेम डांस पर, वही श्रद्धा है, वही वरुण धवन है, लेकिन इस मूवी को बड़ी बात है कि डायरेक्ट करें रेमो डिसूजा और इस मूवी में भी एक्ट किया है प्रभु देवा ने। वैसे तो हमने सुना है कि जब आप सेम फील्ड से होते हैं तो बड़ी आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं, जेलिसी भी होती है, लेकिन ऐसी कोई कॉम्पिटिशन और जेलिसी डांसेस इन डांसेस में नज़र नहीं आ रहे। रेमो डिसूजा की पूरी टीम है, जैसे कि वो एक रियलिटी शो भी होस्ट करते थे, तो जो जो उनके साथ बच्चे लड़के जो थे, तो पूरी टीम, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कोई जीरो, कहते हैं ना कि हम, वैसे तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई कहता है कि यार मैं जीरो से उठ के आया हूँ, मैं छोटी जगह से, मैं यहाँ से उठ के आया हूँ, फिर वो किसी मकाम पे पहुँचता अपने टैलेंट के बिहाफ पर, तो यार ऐसे लोगों के लिए क्लैप करने को दिल चाहता है। और ये टीम वाकई बहुत अमेजिंग टीम है और स्ट्रीट डांसर 3D की जो एक्साइटमेंट है मेरे अंदर और भर गई कि यार वरुण धवन ऐसा क्या धोखा देता है कि दुआ करो सॉन्ग पूरा उस स्टोरी पे पिक्चराइज हो गया। तो गाइज ये था रिएक्शन मेरा, एंड श्रद्धा कपूर भी उनसे उलझी उलझी लग रही थी। एंड द सेकेंड थिंग गाइज, आप आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, तभी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी और वीडियोज़ को भी सपोर्ट करें, बिकॉज यार जो रिएक्शन है ना, जो ऑनेस्टी के साथ है, वही देने में मज़ा है। मैं हर रिएक्शन में बोलूँ कि टू गुड है, ये है, वो है, तो है तो सारी चीज़ें मतलब अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आता मैं बोल देती हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप किसी गाने के साथ, या फिर किसी रोमांटिक सीन के साथ, या फिर किसी फाइटिंग वाली सीन के साथ, या फिर डीप इमोशनल सीन के साथ। तो बहुत ख्याल रखिएगा, एंड आई लव यू, एंड प्लीज सपोर्ट माई अदर वीडियोज टू, एक्सेप्ट तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु।